नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ओबीसी महासभा 28 जुलाई को प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। ओबीसी महासभा का यह आंदोलन राजधानी भोपाल में होगा, जहां सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। इस आंदोलन में बालाघाट जिले के करीब 500 ओबीसी महासंघ के युवा साथी भी शामिल होंगे। उक्त आशय की जानकारी ओबीसी महासभा बालाघाट के जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने देते हुए बताया कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि सरकार द्वारा 3 वर्ष होने के बाद भी चयनित शिक्षा संघ के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। संपूर्ण देश में ओबीसी वर्ग 65% है, किंतु उनकी जनगणना नहीं की जा रही है, ये जनगणना शुरू की जाए। कमलनाथ सरकार द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, उसको यथावत रखा जाए। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष 28 जुलाई 2020 को भी ओबीसी महासभा द्वारा जिला मुख्यालय बालाघाट में इन्हीं सब मांगों को लेकर सरकार को आगाह करते हुए और कहा गया था कि मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा ओबीसी महासभा की कोई भी मांगों पर विचार न करते हुए ओबीसी महासभा के लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। सरकार की बेरुखी और अनदेखी के कारण ओबीसी महासभा अपनी मांगों को लेकर पुनः प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर है। जी बताया, 28 जुलाई को राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है। किन किन मुद्दों को लेकर ये जो आंदोलन किया जा रहा है? आपको पता है कि विगत 2020 में बालाघाट जिला मुख्यालय में ओबीसी महासभा द्वारा 2 बार आंदोलन किया गया था, जिस पर हम सभी साथियों को अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था। उस समय भी हमारी मांग थी कि जो चयनित शिक्षक संघ के जो अभ्यर्थी है उनको 3 साल होने के बावजूद वर्तमान तक नियुक्ति नहीं दी गई, यह हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग ये थी कि संपूर्ण देश में ओबीसी वर्ग लगभग 65% है, पर उनकी जातिगत जनगणना नहीं की जा रही है। तीसरी मांग ये थी कि ओबीसी को जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा जो 27% आरक्षण दिया गया था उसको यथावत रखा जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आने वाले 28 जुलाई को भोपाल में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं आंदोलन किया जा रहा है। बालाघाट से ओबीसी महासभा के कितने लोग जो है वो इस आंदोलन में भाग लेने भोपाल जा रहे हैं? बालाघाट जिले से कम 400 युवा साथी, कुछ युवा साथी जो नीट की जो परीक्षा होती थी, डॉक्टर बनने की जो परीक्षा होती थी, उससे ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया वाले साथी, चयनित शिक्षक संघ के साथी, पुलिस की भर्ती संपूर्ण मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं निकाली गई, ऐसे पीड़ित युवा साथी बालाघाट जिले से भोपाल कुछ करने के लिए तैयार है। क्या आपने भोपाल, जो आपकी तैयारी है 28 जुलाई को जाने के लिए, इसके लिए क्या बालाघाट जिले के किसी ओबीसी जनप्रतिनिधि से आपकी चर्चा हुई है? क्या कोई मार्गदर्शन आपको दिया गया है इसके लिए? संपूर्ण मध्य प्रदेश के, वो चाहे कांग्रेस के विधायक हो, भाजपा के हो, बसपा के हो या कोई भी दल के हो, यह जो आंदोलन है यह सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन होने के नाते हम सभी दलों के जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या छोटे जनप्रतिनिधि हो, सभी से इस आंदोलन में समर्थन मांग रहे हैं। समर्थन मांगने का कारण ही यह है कि वो कांग्रेस का व्यक्ति हो या बीजेपी का या अन्य दल का, उनके परिवार के सदस्यों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। आज देखने आ रहा है कि जो युवा पीढ़ी लगभग 2011 के बाद से जो तैयारी कर रही है, अच्छी कोचिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, 2011 के बाद में मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकली, तो इसमें कांग्रेस और भाजपा नहीं, सभी दलों से हम लोग समर्थन मांग रहे हैं। इसके पहले भी आपके द्वारा जो है 2 से 3 बार बहुत बड़े रूप में आंदोलन किया गया, ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन क्या कारण है कि सरकार जो है वो ओबीसी के आंदोलन को जो है उतना महत्व नहीं दे पा रही है? आपको बता दूं कि पिछले वर्ष 2020 में 28 जुलाई को ही बालाघाट जिला मुख्यालय में हमने अंबेडकर चौक में आंदोलन किए थे, जिसमें लगभग 400 युवा साथी शामिल हुए थे और जिसमें हमने मुंडन कार्यक्रम भी रखे थे। यही 28 जुलाई को अब भोपाल में हम लोग, उसी समय हमने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी कि हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो आने वाले समय में प्रदेश स्तर आंदोलन भोपाल में किया जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भोपाल में आंदोलन हो रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि जो जनप्रतिनिधियों में बालाघाट के बैयर विधायक आदरणीय संजय उइके जी के द्वारा आज बालाघाट ओबीसी महासभा को समर्थन पत्र जारी किया है, उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया है।
मैं संपूर्ण बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों से, चाहे कोई भी दल के हो, सभी से चाहूँगा कि इस लड़ाई में ओबीसी महासभा के बैनर तले जो विभिन्न मांगों को, ओबीसी की विभिन्न मांगों को लेके धरना आंदोलन का, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है, इसमें अपना समर्थन दे। क्या लगता है कि जो अगर सरकार जो है ओबीसी महासभा की नहीं सुनती है और जो 27% की मांग आपकी जो है वो पूरी नहीं कर पाती है, तो क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में या अभी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में क्या इसमें सरकार को फर्क पड़ेगा क्या वोट बैंक में उसके? बिल्कुल, अगर ओबीसी के साथ में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अन्याय करेगी तो कहीं ना कहीं जो शिक्षित वर्ग है वो भाजपा से जो जुड़ा हुआ होगा वो टूटेगा। और हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे भाजपा के युवा साथी हम लोगों को समर्थन कर रहे और आगे भी करते रहेंगे। और निश्चित रूप से अगर भाजपा ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं करती है तो इसका हानि भाजपा को आने वाले समय में बिल्कुल होगी।